एक कहानी जूली की इज अ साइको थ्रिलर और इट्स बेस उसका बैकड्रॉप जो है बॉलीवुड का बैकड्रॉप है और इसमें कहानी जो है जो कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है जूली उसका जर्नी इन बॉलीवुड हाउ एक स्मॉल स्ट्रगलर से वो सुपरस्टार बनती है और उसमें सुपरस्टार बनने के जो रास्ते है वो अपनाती है वो कितना गलत होता है वो दिखाया है सो इट्स अ साइको थ्रिलर इट्स अ रोल ऑफ अ स्प्रिट नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ये फिल्म जब शुरू की थी तो हम लोग ने इंद्रानी मुखर्जी की कहानी से शुरू किया था और हम लोग का फर्स्ट शेड्यूल होने के बाद जब हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि उस टाइम जजमेंट हुआ नहीं था तो हमने पूरी स्क्रिप्ट चेंज कर दी उसके बाद बिकॉज वी डिडंट वांट टू शो द ऑडियंस एनीथिंग दैट इज़ नॉट राइट आधी फिल्म नहीं हुई थी हम लोग फिल्म से शुरू हुई थी उस टाइम पर नहीं हम लोग खुद ने हम सब ने हमारे सारी टीम ने बैठ के हम लोग ने रियलाइज नहीं ऐसा किसी से प्रेशर नहीं आया था बस हम जब हमारी टीम बैठी थी और जब हम लोग वेट कर रहे थे कि ना इसका जजमेंट आ जाए और काफ़ी लेट हो गया था तो हमने डिसाइड किया कि अगर जजमेंट अभी तक आया नहीं है तो फिर उस सब्जेक्ट को लेकर बनाना फिल्म सही नहीं होगा कि ऑडियंस को हम लोग कुछ गलत दिखाएं तो इसीलिए हम लोग ने पूरी इसका कहानी चेंज कर दी हाँ जी मगर ये फिल्म इंडस्ट्री पे ही है अपने फिल्म इंडस्ट्री पे ही कहानी इसको थोड़ा सा हम लोग ने ट्विस्ट एंड टर्न किया और कैरेक्टर्स भी जो है उसको थोड़ा बहुत हम लोग ने ना ट्वीक किया नहीं ऐसा किसी के ऊपर कहानी है ही नहीं ये एकदम फिक्शनल कहानी है एक कैरेक्टर है जिसका स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करती है अच्छा मैं बताऊंगा आपको राखी सावंत आज तक सिर्फ एक आइटम गर्ल के नाम से जानी गई थी और इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हम लोगों ने ना आइटम सॉन्ग रखा है ना कोई हॉट सीन्स है इसके इस मूवी में उन्होंने सिर्फ एक एक्टर का रोल किया है क्योंकि मुझे इस फिल्म के लिए कैरेक्टर चाहिए था जो साइको टाइप का होता है स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है और उस टाइम शायद राखी से अच्छा ये रोल कोई और कर नहीं सकता था इसीलिए हम लोगों ने राखी को कास्ट किया और इसमें हम लोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो दूसरी फिल्मों में उन्होंने किया है इसमें एकदम वो सीरियस रोल की है फिल्म है और पूरी मूवी में इनका सिर्फ आपको एक्टिंग नज़र आएगा शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस और शायद आज तक किसी डायरेक्टर ने उसको उनको ना एक्टिंग करवाया नहीं था शायद इसीलिए वो आइटम सॉन्ग्स कर रही थी तो हम लोग सब काफ़ी सरप्राइज हो गए थे जो जिस तरीके से उन्होंने रोल को निभाया है वो शायद कोई कर सकता है जो उस पर पर्सनैलिटी का रोल है हाँ अच्छा हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर था जो पॉलिटिशियन और प्रोड्यूसर है जो फिल्म का जो रोल था कि जो फिल्म वॉज बेस्ड ऑन बॉलीवुड और इस रोल में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था जो पॉलिटिशियन का भी रोल पॉलिटिशियन नज़र आए और एक्टिंग भी वैसा किए और अवर शर्मा जी को जब मैं मिला था मुझे ऐसा लगा कि उनसे अच्छा कोई वो रोल कर ही नहीं सकता तो हमको उन्हें हमने उन्हीं को कास्ट किया और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से रोल निभाया नहीं एक्चुअली पॉलिटिशियंस एक्टर्स ही होते हैं वो सारा टाइम तो पब्लिक के सामने एक्ट ही करते रहते तो उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा बस ही जस्ट डिड द रोल द वे इट हैड टू बी मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस सब जाके मूवी देखें और आप ये जाएं वहाँ पर और take it out of your head that Rakhi Sawant is going to do an item number because she's not. She's going to play a character which she has never done before and I'm sure everyone is going to be pleasantly surprised with what she's done. Exactly. Rakhi ji actually prior commitments mein busy hai, wo yahan par hai hi nahi. वो शायद जैसे ही वापस आएगी US गई हुई है वो जैसे ही वापस US से आएंगी तो शायद वो आकर सारे इंटरव्यूज देगी 100% उनकी फिल्म है एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ गॉट अ रोल लाइक दिस उनको आज तक किसी ने ऐसा रोल दिया नहीं तो वो 100% ये फिल्म को प्रमोट करना चाहेंगे वो कर भी रही है शुरू से वही प्रमोट कर रही है हम लोग तो अभी आए हैं प्रमोट करने के लिए शुरू से आई थिंक 500 to 600 प्रिंट्स ऑल ओवर इंडिया या थैंक यू वेरी मच सर